दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि बच्चे पैदा करने की भी फैक्ट्री हो सकती है? फैक्ट्री भी ऐसी जो एक साल में 30,000 बच्चे पैदा करे? शायद नहीं, लेकिन अब आप इसे सोच भी सकते हैं और साकार होते भी देख सकते हैं। इसका दावा किया है बायोटेक्नोलॉजिस्ट और साइंस कम्युनिकेटर हाशम अल घायली ने। उन्होंने यूट्यूब पर एक वीडियो शेयर किया है जो यूट्यूब पर ट्रेंडिंग में है। इस वीडियो में दावा किया गया है कि बच्चे पैदा करने के लिए अब माँ की कोख जरूरी नहीं होगी, यह काम अब बेबी पॉट करेगा। 9 महीने बाद एक स्विच प्रेस कर बच्चों का जन्म हो सकेगा। बेबी पॉड लगाने का काम कंपनी करेगी जिसका नाम एक्टो लाइफ है। तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, यह एक तरह की मशीन है जो बच्चे को बिल्कुल माँ की कोख की तरह एहसास कराएगी, इसीलिए इसे कृत्रिम गर्भ भी कहते हैं। ये मशीन वो सारे काम करेगी जो बच्चेदानी करती है। जिस तरह से गर्भ में प्लेसेंटा के जरिए बच्चे को पोषक तत्व और ऑक्सीजन मिलती है, इसी तरह मशीन में भी एक कृत्रिम प्लेसेंटा होगी जो बच्चे तक ऑक्सीजन और पोषक तत्व पहुंचाएगी। इसका एक निश्चित तापमान होगा जिस पर नजर रखने के लिए मॉनिटर होगा। इसी मॉनिटर में बच्चे की हार्ट बीट, उसके विकास आदि पर नजर रखी जाएगी। बायोटेक्नोलॉजिस्ट और साइंस कम्युनिकेटर हाशम अल घायली ने यूके के मेट्रो से बातचीत में बताया कि एक्टो लाइफ 75 लैब बनाएगा और हर लैब में 400 बेबी पॉड होंगे जो पूरी तरह से यूट्रस की तरह डिजाइन होंगे। यह बच्चे को वही एहसास कराएंगे जो बच्चे को माँ के गर्भ में होता है। माता पिता एक ऐप के द्वारा बच्चों के विकास पर घर बैठे नजर रख सकेंगे। यदि बच्चों के विकास में कुछ गड़बड़ी होगी तो ऐप समय रहते ही जानकारी दे देगा। 9 महीने पूरे होते ही एक स्विच प्रेस करते ही बच्चे की डिलीवरी हो जाएगी। एक्टो लाइफ कंपनी की ओर से शुरू की जाने वाली कृत्रिम गर्भ सुविधा में अभिभावकों के लिए अलग अलग पैकेज होंगे। मेट्रो की एक रिपोर्ट के हिसाब से इसका एक एलाइट पैकेज भी होगा, जिससे अभिभावक यह तय करेंगे कि उन्हें बच्चे का चेहरा, रंग, लंबाई कैसी चाहिए। इस पैकेज के तहत उन्हें 300 से ज्यादा जीन में से कोई एक चुनने की सुविधा मिलेगी। इनमें से 9 जीन को वह एडिट भी करके मनमाफिक बच्चा पा सकेंगे। हाशम अल घायली के मुताबिक एक्टो लाइफ बिना कंसेप्शन के लोगों को अभिभावक बनने की सुविधा देगा। यह सुविधा उन देशों के भी बहुत काम आएगी जो जनसंख्या वृद्धि दर में आ रही कमी से जूझ रहे हैं, जैसे जापान, बुल्गारिया और साउथ कोरिया। घायली का दावा है कि ये तकनीक उन महिलाओं के लिए भी सहायक सिद्ध होने वाली है जो किसी बीमारी की वजह से अपने यूट्रस को निकलवा चुकी हैं। घायली और एक्टो लाइफ की कोशिशें सफलता का नया इतिहास लिख सकती हैं। खुद एक्सपर्ट ऐसा मानते हैं। लंदन के किंग्स कॉलेज के प्रोफेसर एंड्रयू शेनन ने हाफपोस्ट से बातचीत में बताया कि बेबी पॉड बिना कोख के बच्चे पैदा करने में सफल हो सकते हैं, बशर्ते उन्हें करेक्ट एनवायरनमेंट, फ्यूज और ऑक्सीजन दिया जाए। उन्होंने बताया कि पहले भी ऐसा हो चुका है कि माँ के गर्भ से प्रीमैच्योर बेबी को निकालकर इंक्यूबेटर्स में रखा गया और उन्हें ट्यूब की मदद से दूध पहुंचाकर बचाने में सफलता पाई गई। दोस्तों, आपका इस वीडियो के बारे में क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।